The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefreak.in से. आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कल हमने क्या बात किया था और आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है. सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये जो लेबल हमने कल बताया था 17170, तो ये लेबल आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है. कल भी रिजेक्ट किया था और आज भी निफ्टी ने इस लेबल को रिजेक्ट किया. तो अभी कल क्या हो सकता है कि कल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लो जो आज निफ्टी में बना है. तो हमने डिस्कस भी किया था 16,950 से लेकर 16,850 का जो रेंज है ये हमारा टारगेट रेंज है और इस रेंज के बाद एक छोटा पुलबैक हम देख सकते हैं. बट ये कब आएगा ये डिपेंड करता है और जब तक 17,170 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे दें निफ्टी में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ नहीं आने वाला है, तब तक आपको सेल ऑन राइज ही करना है. बट आज का मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए. जिन्होंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया हो या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया, इट वॉज नॉट ईजी डे टूडे. दोनों तरफ के ट्रेड मिले और बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी के साथ. सो आपको कल के लिए क्या करना है, रेंज जो बनकर आ रहा है कल के लिए 7170 से लेकर 16950 एंड देन 16850 देन 16730. तो ये है हमारा रेंज निफ्टी का कल के लिए. इसके ऊपर 17200 का लेवल और 17,170 का लेवल ये है एक नो ट्रेड जोन होगा, जहाँ पर हमें देखना होगा कि इसके ऊपर होल्ड कर रहा है कि नहीं. अगर गैप अप होता है तो अगर इसके ऊपर होल्ड करता है निफ्टी देन ओनली वी हैव टू ट्रेड फॉर 17,300 एंड 17,350. तो तब जाकर इस लेवल के लिए हमें ट्रेड बनाना होगा, अदरवाइज हमें सेल ऑन राइज ही रखना है. इवन दो 17,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तब भी प्रेशर ऊपर से सेलिंग का रहेगा. इंटरडे चार्ट को देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज दिन भर क्या हुआ मार्केट में. सो ये जो लेवल है निफ्टी का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं जा सका और एंड देन इट हैज़ डेवलप ए डिसेंडिंग चैनल. एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड किया है एक रेंज में. कल भी हो सकता है कि ऐसा एक रेंज में ट्रेड करे और नीचे की तरफ नया लो बनाता जाए और ऊपर की तरफ एक लो, लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशन होता रहे. तो ऊपर में लेवल इंटैक्ट है 17,170, नीचे में आपको नए नए लो डेली बनते जा रहे हैं. कल भी हो सकता है थोड़ा नीचे आए, ऊपर में जाकर फिर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा. सो यू नीड टू लुक इन टू दैट एंड देन ट्रेड अकॉर्डिंगली. तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल, ऐसा आपको ट्रेंड लाइन है. इसके ऊपर खुलने से भी मुझे कुछ खास फायदा नहीं होगा निफ्टी में जब तक हमें इस लेवल के ऊपर निफ्टी में ओपनिंग ना मिले. तो इसके ऊपर मिलता है तभी जाकर कुछ होगा, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए निफ्टी में ओपनिंग में, तब जाकर इधर से एक मूव गैप फिलिंग के लिए आ सकता है विच इज़ 17,300. अगर नहीं खुलता है तो आपको इस लेवल या ऐसा ट्रेंड लाइन खींच लेना है निफ्टी में और यहाँ से फिर आपको नीचे का ट्रेड बनाना है, फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेड बनाना है. चलिए डेटा को देखते हैं. ये निफ्टी का डेटा है एंड निफ्टी के डेटा में व्हाट वी कैन सी दैट 17,000 लेवल जो है वहाँ जहाँ पर 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और आज के दिन अनवाइंडिंग भी हुआ है, तो 17,000 के नीचे जाने के लिए थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है निफ्टी. तो कल हो सकता है कि नीचे की तरफ और ज़्यादा मूव करे अगर ऐसा ही डेटा कल भी रहे और यहाँ से अनवाइंडिंग हो. यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 लाख का एग्जिट हुआ है, तब भी 17,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है. दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेटा. एज पर द डेटा इसको नीचे क्लोजिंग देना चाहिए था बिकॉज आज के दिन जो राइटिंग हुआ है ज़्यादा हुआ है 17,000 लेवल पे. इसके बाद 17,100 लेवल पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड 17,900 पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा. रेंज हमें क्लियर दिख रहा है 16,900 से लेकर 17,50 तक के बीच का रेंज है और इस रेंज में निफ्टी हो सकता है कल के दिन भी टाइम मिला. अगर इस रेंज से किधर भी बाहर निकला तो एक बड़ा मूव फिर वापस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आने का चांसेस रहेगा. ओके, लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट.
ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हमारा जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 37,950 के पास ये लेवल। तो कल अगर इसके पास खुलता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर बनेगा और यहाँ पर एक बाई इनिशिएट भी जरूर करना चाहिए। सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 38,200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी अगर क्लोज दे देता है, आई एम सेइंग क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे में अगर नीचे जाकर आ जाए वापस ऊपर तो डजेंट मैटर, बट क्लोजिंग बेसिस पे 38,200 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक बैंक निफ्टी में आपको और ब्रेकडाउन का चांसेस कम रहेगा बिफोर वन पुल बैक। सो एक पुल बैक का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बिकॉज बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर ओवरसोल्ड एंड उस ओवरसोल्ड के कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक ड्यू है एंड ये पुल बैक ड्यू कल आता है या थर्सडे को आता है या नेक्स्ट हफ्ते आता है, दैट इज अ बिग कंसर्न। हमें इंट्राडे में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डेटा डेवलप हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा एक चैनल है, नीचे लोअर लो एंड लोअर टॉप का पैटर्न बन रहा है, नीचे में नया लो बन रहे हैं। जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी ऊपर का मूव नहीं देगा और ये चैनल का लेवल जो है वो कल के लिए 38,600 के ऊपर दिख रहा है। सो 38,600 के ऊपर अगर डायरेक्ट खुलता है तो ही जाकर इस चैनल के ऊपर से निकलेगा बैंक निफ्टी एंड देन इट विल ट्राई टू फिल दिस गैप ऑफ 39,500 फॉर द बिग मूव। और नीचे में आपको सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, नीचे में जो है लेवल नीचे की तरफ होता जा रहा है। 38,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 38,200 के पास आप जरूर बाय बना सकते हैं। ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा तो अच्छा नहीं होगा, हो सकता है नीचे और ज़्यादा फॉल हो और नेक्स्ट लेवल 37,950 विच इज़ ए क्रूशियल लेवल, ये टूटने के बाद एक फ्री फॉल अगेन बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है। बट बिफोर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग वन पुल बैक। वी डोंट नो लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वेन वी आर गोइंग टू गेट द पुल बैक बिकॉज PCR इज ओवरसोल्ड। लेट्स सी द बैंक निफ्टी डेटा। बैंक निफ्टी के डेटा में व्हाट वी कैन सी दैट 38,600 लेवल पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल पुट साइड में एंड 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड देन 38,500 लेवल जहां पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड कॉल साइड में। सो 38,500 विल बी द मेक एंड ब्रेक लेवल। इसके ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी हैज टू गो अबव दैट। सो अभी क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट 38,300 से 38,400 के बीच में और वहाँ पर आप देख सकते हो डेटा पुट साइड में ज़्यादा सपोर्टिव है और नीचे में अनवाइंडिंग जो है 38,700 पे 38,800, 900, 39,000, 39,100 हर एक लेवल पे अनवाइंडिंग हमें देखने मिला है और यहाँ पर कॉल एडिशन हमें आज के दिन देखने मिला है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 11 लाख का 38,800 पे एंड देन 30 लाख का 39,000 पे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी विच इज 39,000 का लेवल जहां पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो अगर बैंक निफ्टी में रेंज इस हफ्ते के लिए जो अभी करेंटली दिख रहा है आज के डेटा के अनुसार अगर मार्केट फ्लैट खुले तो 38,300 से लेकर 38,800 के बीच का एक रेंज हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ऐसा होता है तो आपको नीचे के लेवल पे बाय करना है और ऊपर के लेवल पे सेल करते हुए जाना है, ठीक है। सो वॉलिटिलिटी आज जैसी थी वैसी से बनी रह सकती है और कोई भी बड़ा मूव आने के पहले ऐसा वॉलिटिलिटी आता है मार्केट में, हो सकता है कि कल या अगले दिन हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिले। ओके, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट एंड डेटा। Meet you on Wednesday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.